हम सभी टेंशन में रहते हैं कि अरे क्या क्या सीखें, कितना कितना सीखें। तो आज एक बहुत सरल प्रोडक्ट है और खास करके गर्मियों के हिसाब का प्रोडक्ट है। कल्याणी मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शायद टीम में अभी ऑफर्स भी उतने अच्छे से पता नहीं है। तो तैयार हैं, आज बात करेंगे शानदार न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर की। तरोताजा कर देगा, एनर्जी से भरपूर कर देगा, क्योंकि जैसे मैम बोल रही थी ना, ये समय होता है सोने का, लेकिन हमको तो जागना है। हेलो है ना, सो लिया, बहुत साल सो लिया, अब तो बारी जागने की है, अब कुछ करने की है। तो न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर क्या है, क्या क्या चीजें डाली गई हैं, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, क्या खास बातें हैं, हर चीज के बारे में हम समझेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहाँ पर कोई टैबलेट या गोली दिख रही है क्या आपको, जिसको खिलाने में, समझाने में लोगों को बहुत समय लगेगा? यस या नो मुझे चैट में लिखकर बताइए फटाफट से। हमारे को होस्ट साथी अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, नो मैम, राइट? हाँ, नो फटाफट से लिखिए। कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई गोली नो नो नहीं दिख रही है मैम, ना? मतलब ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है जो आप सामने वाले को कभी उसके हाथ में दे दिया ना, तो पहले तो वो पी लेगा, बाद में पूछेगा क्या था। हेलो, फॉलोअप्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और भारत में आप सभी को पता है, आप सभी अलग अलग राज्य से जुड़े हैं, झारखंड से भी जुड़े हैं, बंगाल से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से, यूपी से जुड़े हैं, मैं एमपी से हूँ। तो समझने वाली बात क्या है, देखिए प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब हम आसपास का परिवेश समझें, साइकोलॉजी समझें, जलवायु समझें। तो भारत में ये समझ लीजिए कि कम से कम 7-8 महीने तो गर्मी जैसा ही मौसम रहता है। दूसरे देशों में क्या होता है, 6-6 महीना ठंड रहती है, बर्फबारी होती रहती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो एक जो बात हमें सबको दिमाग में रखनी है कि भाई जब हम देखते हैं किरानों की दुकान पर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक पूरे साल फ्रिज भरा रहता है, भरा रहता है कि नहीं, एक बार मुझे ऐसे सर हिलाकर बता दीजिए। सुमित्रा जी, मंशा जी, है ना, मंजू जी, कभी सुना है ऐसा कि भाई कोका कोला ने या किसी भी दूसरी कंपनी ने बोला हो कि भाई 3 महीने अब बिजनेस बंद, भारत में 4 महीने अब बिक्री नहीं होगी? रानी जी, मालती जी, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना, पूरे साल बिक्री होती है। और ऐसी चीजों की बिक्री हो रही है जिसमें स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो आज उसके बारे में भी जानेंगे। न्यूट्री चार्ज रिफ्रेशर एक शुद्ध शाकाहारी हेल्थ सप्लीमेंट है, हेल्थ ड्रिंक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कुछ खास बातें जो शायद हमने कभी भी इसके बारे में सोची ही नहीं। पिया तो होगा है ना, कितने लोगों ने पिया है, कभी टेस्ट किया है? लेट मी सी, फटाफट से रेज हैंड करेंगे। संध्या मैम पिया है ना? हाँ, वही वही वही, तो रेज हैंड। लेकिन जब पिया तो क्या हमने कभी सोचा कि पर्यावरण के लिए भी न्यूट्रीचार्ज आरसीएम बहुत सोचता है, सेफ्टी के लिए बहुत सोचते हैं? यहाँ अगर देर ध्यान से देखें तो टेट्रा पैक आता है, यहाँ पर मेरे पास भी है, अभी मैंने 10 इकट्ठे मंगवाए थे, राइट? तो यहाँ पर 6 लेयर्स की पैकेजिंग की जाती है जिससे धूल, मिट्टी, हवा, गंदगी ना जाए, लीक होने से बच जाए, धूप में कभी रखा रह गया, वैसे हमें कोशिश करनी है कि इसको धूप में ना पड़े रहने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर 6 लेयर की टेट्रा पैकेजिंग की जाती है। साथ ही साथ ऐसा मटेरियल है साथियों, अगर ध्यान से देखेंगे इसको, हेलो ध्यान से देख रहे हैं? तो ऐसी ऐसी पैकेजिंग है, ऐसे मटेरियल का यूज किया गया है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। हमारी कंपनी की सोच बहुत आगे की है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रॉ देख रहे हैं आप, ये स्ट्रॉ पहले प्लास्टिक की आती थी, हेलो है ना, पिया है पहले, लेकिन अब अगर देखेंगे तो ये स्ट्रॉ या नली जो भी आप बोलते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बना दी गई है, यानी कि पर्यावरण तक का हम सोच रहे हैं तो सेहत का तो सोचेंगे ही सोचेंगे, हेलो राइट? कितने लोगों को ये सब बातें जान के अच्छा लगा? 6 लेयर पैकेजिंग, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं है भाई, प्लास्टिक की बॉटल में हम नहीं सेल कर रहे हैं हेल्थ ड्रिंक, राइट? तो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। अब यहां पर आज का जो प्रोडक्ट है वो खास तौर पे आपको एनर्जी देने के लिए है, आपको उत्साह से भरने के लिए है, क्योंकि काम बहुत सारे ऐसे हैं जहां एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं और अगर मैं ऐसे बात करूं कि भाई न्यूट्री चार्ज रिफ्रेशर की ट्रेनिंग होगी, आप सब डायरी पेन निकाल लीजिए, नोट करिए, कितने लोगों को मजा आएगा फिर सुनने में? मजा आ रहा है क्या, ऐसे मजा आ रहा है क्या जब मैं बिल्कुल बिना ऊर्जा के बात करूंगी? बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ऑफर शानदार चल रहा है, हाँ कि ना, चैट में लिखिए। संध्या मैम कैसा लग रहा मैम पहले जो बता रही थी वैसे ही था।
है ना। तो एनर्जी तो बॉस चाहिए, हमारा मन हो नहीं हो, क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि एनर्जी पूरी गोल हो जाती है। तो आज समझते हैं कि इंसान थकता क्यों है, या एनर्जी हमारी कहाँ चली जाती है, क्यों चली जाती है, और एनर्जी किस किस काम को करने के लिए चाहिए। तो भैया यहाँ तो बहुत ही कम उदाहरण है, लेकिन हमें अगर कोई भी काम फोकस के साथ करना है, अच्छे रिजल्ट लाना है, एनर्जी चाहिए। अगर आपको टीम के साथ जुड़कर काम करना है, होम मीटिंग्स लेनी है, एनर्जी चाहिए। फील्ड में जाना है, एक्सरसाइज करना है, भरी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, एनर्जी के बिना काम नहीं होगा। और यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं जुड़ी होती हैं साथियों, मुझे पता है। अभी इसके पहले मैं किचन में ही थी, है ना, कैसी गर्मी पड़ती है और उसमें डिमांड आती है, छुट्टियां चल रही हैं, मेहमान भी खूब आते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं हम, लेकिन एनर्जी तो चाहिए लगातार काम करने की, क्योंकि बहुत सारा हम लोग बनाते हैं, करते हैं। और गर्मियों में क्या हमारी छुट्टी हो जाती है क्या? हम जा सकते हैं क्या नानी के घर 3 महीने की छुट्टी पे किचन में ताला लगा के, राइट? तो एनर्जी हमें हर चीज के लिए चाहिए, लेकिन ऐसे समय आते हैं जब हमारे शरीर की बैटरी क्या हो जाती है साथियों। हेलो, ध्यान से देखिए इधर, सब कुछ बिल्कुल, कुछ इसमें साइंस ज्यादा है ही नहीं प्रोडक्ट में। यहाँ पर हमारी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, काम भी सामने दिख रहे हैं, जाना है, मिलना है, फॉलो अप लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो क्या करें भाई? खर्चा तो हर महीने है, कमाना हर महीने है, टीम को मैनेज करना है, पिन लेवल बदलना है। तो अगर एनर्जी साथ आपको चाहिए ना, तो आपको 100% सपोर्ट करेगा न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर। यहाँ पर दो शब्द, आज ये दो शब्द सीख लिए ना, तो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग ये प्रोडक्ट याद रहेगा। संध्या जी, सुमन जी या कंचन जी, आपसे अनुरोध करूंगी, क्या लिखा हुआ है एक लाइन में, पूरी बातचीत आ गई यहां पर, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए संध्या जी आप। न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर सक्रिय व सकृत रहने के लिए एक रिफ्रेशर हेल्थ ड्रिंक। संध्या मैम पढ़िए जरा, आप भी पढ़िए। यस मैम, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर सक्रिय व सतर्क रहने के लिए एक रिफ्रेशर हेल्थ हेल्थ ड्रिंक। ड्रिंक, यस मैम, सक्रिय यस। रहना, सक्रिय रहना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव, है ना, एनर्जी स्टेमिना, सक्रिय मतलब फिजिकली आपको अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। सक्रिय तो एक एक तरफ हो गया, शारीरिक रूप से आपको एक्टिव लगेगा। और सतर्क मतलब, सर सतर्क मतलब क्या होता है? संध्या मैम किसी को आइडिया है? रेज यस हैंड मैम, कर। हाँ, आपकी आवाज सुन के हम लोग सतर्क रहते, इधर उधर सतर्क, दिमाग खुल अच्छा जाते। सतर्क नहीं इंसान। हाँ जी मैम, सतर्क, जी बोलिए। शायद मेरे हिसाब से मैम कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सिर्फ नकली फ्रूट जूस बनते हैं, मतलब सिर्फ केमिकल रहते हैं, और हमारे वाले 100% प्योर प्रोडक्ट नहीं, है। अभी तो मैं सतर्क और सक्रिय पे हूं, उस पे आएंगे अपन, है ना। सुषमा जी, सतर्क हम शरीर से रहते हैं या कहीं और कुछ चीज की जरूरत पड़ती सतर्क रहने के लिए? लिखिए लिखिए, चैट में लिखिए, सभी लोगों का योगदान चाहिए। शरीर से रहते हैं मैम शरीर से सक्रिय रहते हैं, सतर्क कैसे जी, रहते सतर्क एनर्जी हैं? हेलो, से, इशारा करो, इशारा करो, सतर्क। मन से, ओके, सभी दिमाग लोग, से, सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, हेलो माइंड है ना। देखो एक्टिव रहते हैं हम शरीर से, और अलर्ट, है ना, अलर्ट रहता है इंसान किससे? माइंड से। जब मेरा दिमाग लगातार काम करे, गर्मी का भी मौसम है, बाहर भी चले गए तो ऐसा ना हो कि दिमाग ही काम करना बंद कर दे, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी छा रही है, कुछ समझ ही नहीं रहा, सूझ ही नहीं रहा, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, राइट? तो जो चल रहा है अभी, 1 घंटे का सेशन चल रहा है, तो 100% फोकस हमारा यहाँ रह पाए, इसके लिए, दोनों चीजों के लिए काम करेगा, शरीर के लिए भी और आपके माइंड के लिए भी, एक्टिव भी रखेगा, अलर्ट भी रखेगा। तो ये एक रिफ्रेशिंग हेल्थ ड्रिंक है। अब यहाँ जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रीचार्ज केवल आपको प्रोडक्ट समझने को और सेल करने को नहीं बोलता, हमें ये तो समझना पड़ेगा ना, मेरी एनर्जी क्यों निचुड़ जाती है, क्यों मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, थकान क्यों होती है? तो पहली बात, दो तरह की थकान होती है, देख लेते हैं ना। थकान आप आराम से समझ में आ जाती है ना, थकान, थका हुआ इंसान दिख जाता है कि बॉडी स्कैनर चाहिए? हेलो, बॉडी हाँ स्कैनर दिख चाहिए क्या? जाता, दिख यस जाता। yes, दिख नो जाता मैम, है मैम, नो, बॉडी है ना, स्कैनर नहीं चाहिए। देख दिख लीजिए, पता जाता चलता है है, मैम, बिल्कुल देखने से समझ में बिल्कुल आ जाता है। और हमको दिख फोन पे भी बता सकते हैं भाई, फोन पे भी ऐसी आवाज आती है ना, तो हम बोलते हैं क्या हो गया, है ना, बहुत थके हुए लग रहे। तो यहाँ पर एक तो होती है शारीरिक थकान, और दूसरी जो आपको और ज्यादा निचोड़ लेती है वो होती है मानसिक थकान। और आज की डेट में कोई भी, शरीर की थकान से तो बच जाओगे फिर भी, लेकिन मानसिक थकान से आज की डेट में कोई भी नहीं बचता है। तो चलिए समझते हैं
कि गर्मी के मौसम में खास करके चाहे आप इंडोर रहें चाहे आउटडोर रहें, आपको पसीना ज्यादा आता है, चाहे आप किचन में काम करें, है ना। अच्छा आता है कि नहीं आता है, या मुझे ही आता है बस, मैं तो ट्रेनिंग देके उठती हूँ और तो ही मुझे लगता है बाप रे बाप, है ना। तो जरा चैट में यस लिखिए कि गर्मियों में ये समस्या ज्यादा होती होती है। फटाफट से फटाफट से फटाफट से, यस कम ऑन। दो तरफ बातचीत होगी, है ना, एक तरफ नहीं होने वाली। यस। तो यहां पर चाहे आप घर में रहें चाहे आप बाहर जाए, बाहर गए तो फिर तो भाई हालत खराब है ना, 40 डिग्री 42 डिग्री ऐसा तापमान जा रहा है, और जब शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा ना, तो एक शब्द और समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे शरीर से बाहर चले जाते हैं। अब आपको लगेगा मैम आपने तो बोला था साइंस नहीं समझाओगे, आप तो साइंस पे आ गए, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बला है, क्या काम करते हैं शरीर में, थोड़ा सा समझते हैं भाई। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं कितने लोग, बिजली इलेक्ट्रिसिटी कितने लोग, फटाफट से कम ऑन। हाँ इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो फोन चार्ज हो पाएगा क्या, हाँ कि ना, चलो ऐसे बता दो, हाँ कि ना। मशीन चलेगी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, नो अरे ऐसे ही करना नो है, पूरे टाइम ऐसे ही करते रहना है ना। कूलर चलेगा क्या, है ना, टीवी चलेगा, हाँ शर्मा जी भी मना कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपके घर के सारे उपकरण सारे डिजिटल डिवाइस ठप्प पड़ जाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में नहीं हुए तो आपका शरीर ठप्प पड़ जाएगा, कमजोरी लगेगी, बीपी लो होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, बहुत ही आपको उलझन सी महसूस होगी। तो ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे खून पसीने में पाए जाते हैं, ब्लड में और स्वेट में। देखिए फोटो देख रहे हैं, सर से लेके पांव तक पाए जाते हैं, और अगर इसकी कमी हो गई तो आपको तकलीफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कुछ 5-6 इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम जानते हैं, और जैसे मैंने बोला टेंशन नहीं लेना है, हर चीज कहाँ लिखी हुई है, हेलो, है ना, यहां से पढ़ के बता दीजिएगा अगर आप भूल गए। क्लियर हो रहा है, बने हुए मेरे साथ, राइट। तो यहां सब लिखा है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम और यहाँ पे फॉस्फेट। भाई एक उदाहरण दूंगी, एक उदाहरण, सोडियम हमको नमक से मिलता है, राइट, लेकिन अगर एक एक चुटकी भी शरीर में नमक की कमी, सोडियम की कमी हो गई, ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो आपका बीपी लो हो सकता है, आपको बॉटल्स चढ़वाना पड़ सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं। ये इतने ज्यादा जरूरी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर शरीर में कम है ना तो पिंडलियों में दर्द बहुत होता है, हेलो, काफ मसल्स खिंचाते हैं पैर, समझ में आता है, कभी एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। पीरियड्स के पहले भी बहुत सारी महिलाओं को तकलीफ होती है, ऐसा लगता है सूजन हो रही है कि कड़क हो गए हैं, दर्द हो रहा है, तो साथियों समझ जाइए इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है शरीर। तो क्या न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर में इलेक्ट्रोलाइट्स है, यस, राइट। अब यहां पर बात अगर करें कि जब हमको अच्छा नहीं लगता, गर्मी लग रही है, बेचैनी लग रही है, तो सोचता है इंसान पानी पी लेते हैं, है ना, पानी पी लेते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पानी पीना है, लेकिन पानी प्यास बुझाएगा, पानी पी के कभी ऐसा लगता है क्या, यस, जय आरसीएम, जोश आ गया, और बोले कि आओ बताओ क्या काम करना है, दुनिया हिला सकती हूं मैं अब। पानी, सुमित्रा जी, संध्या मैम, पानी केवल प्यास बुझाए, अमृत है, प्यास बुझाएगा, लेकिन आपको शक्ति या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स तो वहां से भी नहीं मिल रहे हैं, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या करते हैं लोग कि कोल्ड ड्रिंक उठाओ और उससे प्यास बुझाओ। फोटो ध्यान से देखिए, हेलो, क्या देख रहे हैं संध्या मैम, फोटो में आपको क्या नजर आ रहा मैम, ये कोई ड्रिंक है जो गिर रहा है? है? ड्रिंक चीनी कहाँ लग गिर रही रहा मैम, है, चीनी हाँ चीनी है मैम। ड्रिंक तो है, कोल्ड ड्रिंक तो है, अरे इसीलिए तो मैंने बोला ध्यान से देखो कि कोल्ड ड्रिंक में केवल और केवल कैफीन है, शक्कर है, सोडा है। जैसे अभी मैम बोल रही थी ना, कोई फलों के रस वस कुछ भी नहीं डाले गए हैं, ये आपकी आंतों को किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। कुछ लोग क्या सोचते हैं, बाजार में गए तो ठेले पे जो मिल रहा है, जो भी मिला 15 20 25 30 रुपए में, पी लेते हैं वो वाले कोल्ड ड्रिंक। लेकिन मेरे को एक एक है ना, अभी बुद्धिमानी का आपने प्रयोग करना है, ये जो लाल पीले नारंगी रंग के मिलते हैं, क्या ये असली फलों के रस होते हैं कि इसमें केमिकल्स होते हैं? केमिकल्स होते हैं,
चैट में लिखेंगे, असली फलों के रस होंगे 10-20 रुपए में, आपको असली फलों के रस मिल रहे हैं 15 रुपए में, या ये ऐसे ऐसे कलर जो हमने देखे ही नहीं, है ना, राइट। और बर्फ कौन से पानी से बनाई गई है वो भी हमें पता नहीं, फिर डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं। गर्मी में अपने शरीर से सेहत से खिलवाड़ मत करिए। तो न्यूट्री चार्ज रिफ्रेशर में 1, 2, 3, 4, 5 पांच तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। आपको घबराहट, बेचैनी होना, थकान लगना, चक्कर आना, बीपी लो होना, है ना, ये सब बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आई। तो एक तरफ तो शारीरिक थकान के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए, ठीक है। अब बात करेंगे मानसिक थकान की, मानसिक थकान होती क्यों है और न्यूट्री चार्ज रिफ्रेशर में ऐसा क्या डाला गया है जिससे कि हम अलर्ट हो जाएंगे, हम अपना दिमाग अच्छे से शांति से चला पाएंगे। तो साथियों, आज की डेट में दिमाग क्यों नहीं काम करता? पहला कारण, काम का बहुत सारा बोझा। भाई, काम का अतिरिक्त बोझ जो होता है वो केवल ऑफिस जाने वाले लोगों को ही होता है क्या? काम काम काम, घड़ी ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना। मेरे को जरा चैट में लिख के बताइए कि क्या केवल ऑफिस जाने वाले लोगों को ही होता है क्या? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ऑफिस लिख दीजिए, वरना नो लिख दीजिए, मैं रुक रही हूं, बातचीत तो करना पड़ेगी आप लोगों से। हाँ, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आइए फटाफट से लिख, कमान, है ना। मैंने महिलाओं को बहुत बार ऐसा बोलते सुना है कि भैया जो ऑफिस जाता है वही थोड़ी थकता है, जो घर में रहता है उससे पूछो, है ना वालती जी, घर में रहते हैं उनको भी कितने लोगों को थकान होती है भाई, घर में भी लगता है बहुत सारा काम है, थक। साक्षी जी भी रेजेंट कर रही, भाई घर के काम तो खत्म ही नहीं होते। गीतू मैम, यस कम ऑन। हाँ, तो मैं अब आप लोगों की चैट पढ़ लेती हूँ, आप लोग क्या लिख रहे हैं। हाँ, ये हुई ना बात, तो मतलब ये सहमत है, एक बार तालियां अपने लिए, कि हम बातों को समझ पा रहे हैं। प्रोडक्ट तभी बिकेगा साथियों, टारगेट्स तभी होंगे, ऑफर का लाभ तभी उठाएंगे जब हम इस चीज को समझ पाएंगे कि चाहे इंसान ऑफिस जाए ना जाए, बहुत काम होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है, इस कारण से दिमाग काम नहीं करता। दूसरा जो कारण है, नींद ना होना। भाई, बच्चों को जल्दी जाना है, आपके हस्बैंड को जल्दी जाना है, आपको उठना है, कुछ ना कुछ पूजा पाठ चलती रहती है घरों में, नींद जब पूरी हुई ही नहीं है तो भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं कि शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान आपको पूरी तरीके से निचोड़ सकती है। तनाव है, टेंशन है, नींद ही नहीं हुई, तो सुबह तो सबको अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह 7, 8, 9 बजे मेरे को भी रोज लगता है ऐसा कि आज गर्मी ज्यादा नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन टाइम देखो 11 बजे, है ना, अभी बोल रहे थे आप 1 बजे, सेशन के बाद देखिए फिर 4 बजे और 6 बजे, जय RCM, फिर लगता है रात का खाना भी कोई बना बनाया दे दो भाई, फिर से जाना पड़ेगा किचन में, है ना, तुम लोग खाना खाओगे क्या, फिर ऐसा पूछते हैं अपन फैमिलीज, राइट। तो यहाँ पर मानसिक थकान भी बहुत ज्यादा हमें परेशान करती है, तो इन दोनों को डील करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। और भारत में सबसे कॉमन प्रैक्टिस है साथियों, चाय हो जाए, चाय हो जाए, जिस होम मीटिंग में जाते हैं, जहां जाते हैं, दिन भर में चाहे 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कितने कप चाय पी लेते हैं सर, पीते हैं सर, जाते हैं तो ग्राहक के घर चाय 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 हो जाए, आधा कप ले लो, थोड़ी सी ले लो, चाय चाय। हमारे घर में भी कोई आता है तो वेलकम किससे करते हैं? रितु जी, चाय चलेगी, चाय चलेगी, है ना भाई, उसको भी एसिडिटी होगी, आपको भी होगी, आपको भी गर्माहट आएगी, चाय भी सीमित मात्रा में तो ठीक है। तो कितने कप चाय हो जाती है भाई आमतौर पर भारत में, जरा चैट के माध्यम से फिर से, भाई मैं तो आप लोगों के साथ आमने सामने बैठी हूं ऐसा लग रहा है मुझे, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, वो चैट के माध्यम से बताइए। 4 कप, सुनील जी 5 कप, ओके 3.4, ये क्या है, 10 कप, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही, 6 कप, और 8, 8 से 9, हेलो, है ना। और भारत में संध्या मैम चाय पे कहाँ रुकते हैं लोग, चाय के बाद तो अपने आप को एक्टिव एनर्जी, है ना, एनर्जी देने के लिए लोग तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, मतलब कैफीन और निकोटीन का डेडली कॉम्बिनेशन। हेलो हेलो हेलो, पैसा भी फूक रहे हैं, एनर्जी भी नहीं मिलेगी, नुकसान पे नुकसान। और अगर हम कैफीन की बात करें
तो आपको पता होगा आईसीएमआर और आरडीए के हिसाब से सारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं साथियों। कैफीन की मात्रा कितनी लेना चाहिए उसके हिसाब से आदर्श मात्रा ही न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर में डाली गई। आप किसी का भी सेशन अटेंड करिए, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि दिन भर न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पीते रहो पीते रहो पीते रहो। नहीं, दिन में एक हम कितनी सलाह देंगे साथियों, बिकॉज वी आर द ऑनेस्ट कंपनी, हम एकदम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। एक काफी है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही नींद आ रही है, बहुत ही कमजोरी है, आप बीमारी से उठे हो, आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही, तो दो लीजिए, वरना एक काफी है। अगर चाय का कप देखें, कॉफी का कप देखें, कॉफी में ज्यादा कैफीन होती है, एक कप में 130 मिलीग्राम के लगभग। और चाय की बात करें तो चाय तो इतनी सी मिलती है, तो फिर क्या होता है सुमन जी, भारत में अपने इंडिया में क्या होता है, किसी ने आपको इतनी सी चाय दी थी? दो घूंट चाय, मन भर चाय गया? कम, चाय कम है। यस हाँ, चाय कम है, फिर क्या बोलते हैं, मेरे लिए भी बना देना, है ना, ठंडी हो गई थी, yes. मजा नहीं आया, मतलब 80 और इतने से कप में नहीं चलता, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े कप में चाय पीते हैं, राइट? तो अब आप सोचिए, सोचिए थोड़ा सोचिए, हम सेलिंग पे बाद में आएंगे, पहले हम तो समझ लें। 80 मिलीग्राम के हिसाब से 10 कप चाय, कितनी कैफीन जा रही है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो भाई। कैलकुलेट क्या करना है, मुंह जवानी समझ में आ रहा है, 80 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, चैट में बता दीजिए, अनम्यूट करके बताइए हमारे को बहुत साथी। 800, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप सोचो, 800 मिलीग्राम तो कैफीन चली गई, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम अपने हेल्थ के साथ, ये थोड़ा सा समझने वाली बात। तो इसको लिमिटेड करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। चाय के बिना अगर आपको नहीं चलता है तो लिमिटेड करिए, एक बार दो बार ज्यादा से ज्यादा। और जब बहुत ऐसा लग रहा है कि काम है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, तो न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर लीजिए साथियों, क्योंकि इसमें डाला गया है टॉरीन, और इसको याद नहीं करने की जरूरत है, लिखा हुआ है यहाँ पर। आसान प्रोडक्ट, आसान प्रोडक्ट। कैसे आपकी एकदम से नींद भगाएगा, कैसे आपको एकदम से ऊर्जा देगा, तो एक उदाहरण से समझाते, सुन रहे हैं कितने लोग बने हुए मेरे साथ, कैसे आपके माइंड को अलर्ट करता है, थोड़ा अच्छे से हाथ ऊपर करिए ना। हाँ जी, किशोर साहब, आदित्य जी। भाई, आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 व्हीलर खरीदने जा रहे हो, है ना, स्कूटी खरीदने जा रहे हो, तो आपको मैंने दो ऑप्शन दिए कि एक तो वो जो पहले किक मारते थे, किक मारते थे, वो वाली ले लो, या फिर सेल्फ स्टार्ट, एक बटन दबाया कि चालू गाड़ी। तो कौन सी वाली गाड़ी लेना पसंद करेंगे आप, फटाफट से चैट में लिखो, किक लिखो या सेल्फ स्टार्ट लिख दो, बटन स्टार्ट। कल्पना जी, आपसे भी पूछ लेते हैं, कौन सी गाड़ी चाहिए? बटन दबाने वाला में पक्का? पक्का? नहीं अच्छा, 2000 कम में पड़ जाएगी वो किक वाली, वो ले लो ना। नहीं नहीं चाहिए मैम। नहीं चाहिए, है ना? तो हाँ जैसा, बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल धनाधन एकदम शानदार तरीके से सुन रहे हैं, लिखते जा रहे हैं चैट, है ना? तो यहाँ पर ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि जैसे ही एक बटन दबा के आज की डेट में मिक्सर चलता है, एक बटन दबा के आज की डेट में गाड़ी चालू हो जाती है, एक बटन दबाते हैं तो हर चीज चालू होती है, वैसे ही जैसे ही न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पियेंगे ना, तो टॉरीन आपको जंप स्टार्ट देता है, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, आपका दिमाग नहीं चल रहा था, एकदम से एक्टिव होगा। क्योंकि इसमें क्या डाला गया है साथियों, टॉरीन डाला गया है। तो न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर ना आपके शरीर की थकान मिटाएगा, ना केवल शरीर की थकान मिटाएगा, बल्कि आपकी मानसिक थकान को भी मिटाएगा, जो एकदम से आपकी आंखें बंद हो रही है, नींद सी आ रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की हमने। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं संध्या जी, शरीर के लिए हैं कि के माइंड के लिए भी हैं, ज्यादातर किसके लिए हैं शरीर इलेक्ट्रोलाइट्स? के लिए, पूरे यस, बॉडी के लिए, टॉरीन, टॉरीन माइंड को अलर्ट करेगा, माइंड को अलर्ट राइट? करते हैं। और तीसरी चीज, जैसे कि आपको पता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्लेवर नहीं है, असली फलों के रस हैं, तगड़े एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ब्लड सेल्स भी बढ़ाएंगे, आपके शरीर में खून की कमी को भी दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें अनार, असली अनार का रस है, असली लाल अंगूर का रस डाला गया है इसमें, राइट? और कीमत क्या है वो आपको पता ही है,
मैं अभी जब हिमाचल में थी तो एक दिन मुझे लाल अंगूर दिख गए, पहली बात तो दिखते नहीं है, तो मैंने जानबूझ करके सोचा रेट तो पता करूं, 400 रुपए किलो थे, 400 रुपए किलो लाल अंगूर, और अनार भी आपको उसका भाव पता है। चलिए आप ले भी आएंगे ना अनार, तो उसको छीलने वाला कोई नहीं मिलता है, वो है ना बेचारा ऐसे ऐसे करके सूख जाता है घर में पड़ा पड़ा। लेकिन ये संभव नहीं है कि हम रोज इस तरीके से असली फलों के रस लें। रस ले लिया तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से लाएंगे, टॉरिन कहाँ से लाएंगे। तो एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा आपके पास ऑप्शन है, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर उठाइए, लेकिन इसको ऐसे एक बार में गटक गटक के नहीं पीना है। लिखिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए, चूंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसको 15 से 20 मिनट, संध्या मैम अनम्यूट करके बताएंगे प्लीज कितना समय देना है। 15 से 20 मिनट मैम, धीरे यस, धीरे। सिप सिप करके पीजिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रही हैं, है ना, तो धीरे धीरे एक एक घूट करके पीजिए, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और सारी चीजें आपके शरीर में, हर सेल में, हर कोशिका तक पहुंचेगी। और जैसे मैंने बोला, सेफ्टी है, हर चीज का ध्यान रखा गया है, कोई मिलावट नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई सोडा नहीं, अतिरिक्त शक्कर नहीं, अतिरिक्त कैफीन नहीं। बाजार में अगर आप देखें तो रेडबुल और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, रेडबुल में साथियों असली फलों के रस नहीं है, एल्यूमिनियम का कैन है जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, सोडा बहुत सारी मात्रा में है, शक्कर बहुत सारी मात्रा में है, और कीमत है 115। मॉन्स्टर में भी असली फलों के रस नहीं है, एल्यूमिनियम का कैन मिलेगा, शक्कर बहुत है, सोडा बहुत है, रसायन मिले हुए हैं, ये इनके लेबल पे लिखा गया। कोका कोला की तो बात ही छोड़ देते हैं, ना टॉरीन है, ना इलेक्ट्रोलाइट्स है, ना फलों के रस है, राइट, केवल शक्कर, सोडा और कैफीन, जो आंतों के लिए भी बहुत नुकसानदायक। वहीं अगर हम न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर की बात करें, हेलो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यस, टॉरीन है, यस, असली फलों के रस हैं, यस, और पैकेजिंग कैसी है, प्लास्टिक में है क्या, नो, टेट्रा पैक है ना, टेट्रा पैक। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया, अब आप लोग मुझे चैट में बताओ कि दूसरा वाला कौन से स्वाद में आता है, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर जो मेरे हाथ में आप बार बार देख भी रहे हैं, दूसरा वाला कौन सा स्वाद है, कौन सा टेस्ट है, कम ऑन, यस, फटाफट, खुशबू जी ने, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आज आप लोगों को कुछ अलग, कुछ नया, एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगी, आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि किसको नहीं देना है, किसको देना है। छोटे बच्चों को मत दीजिए साथी, राइट, अब आप बोलोगे मैडम बच्चे जिद करते हैं, ऐसा वैसा, है ना, तो साथियों यहाँ पर एक ही बात है कि जो चीजें बच्चों को हम नहीं दिखाना चाहते, नहीं देना चाहते, वो उनसे छुपा कर रखते हैं कि नहीं सर, है ना, करते हैं सर ऐसा कि नहीं, तो उनके सामने पीना ही नहीं है हमें, उनके सामने रखना ही नहीं है, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स है, और सुमन जी एनर्जी की जरूरत हमको है कि बच्चों को हमको है मैम, है ना, उनके पास तो खूब ज्यादा यस है, उनके पास एक्स्ट्रा यस है, राइट, मैम, तो बच्चों को मत दीजिए साथियों। अब बोलते हैं कभी पी लिया तो, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया तो, कोशिश करिए मत दीजिए, है ना, और उनके सामने रखना ही है, सीधी सी बात, ठीक है, क्योंकि तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंपनी है, कैफीन है बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ना, कैफीन उनको क्यों देंगे, अब बच्चे तो चाय भी पी रहे हैं हमारे घरों में, है ना, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसमें भी कैफीन होता है, लेकिन हम आरसीएम से हैं, हम न्यूट्रीचार्ज से हैं, तो हम बिजनेस से ज्यादा हमेशा सेहत को देखते हैं, मत दीजिए, कोशिश करिए मत दीजिए। और किसको नहीं दे, तो प्रेग्नेंट लेडीज को बिना डॉक्टर से पूछे नहीं देंगे, और साथ में ऑब्वियसली जो शुगर के मरीज हैं उनको भी नहीं देना है। अब आप बोलोगे मैडम अब तो कोई बता ही नहीं देने को, अब मैं किसको सेल करूंगी, ऐसा लगता है हमको, है ना, तो यहाँ पर साथियों हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं भाई, मेरे आपके जैसे लोग, फील्ड में भी जाना है, बोलना भी है, खड़े भी रहना है, घर का भी काम, बाहर का भी काम, लीडर्स, टीचर्स, स्पीकर्स, है ना, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, स्विगी वाले हैं, ओला वाले हैं, जो ड्राइवर्स हैं, दिन भर धूप में काम करते हैं, राइट, उसके अलावा ये युवा वर्ग जो कैफे में जाते हैं, कोल्ड कॉफी उठा उठा के 150-200 की पी रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं 150-200 रुपए के, इन तक पहुंचिए,
कोई शादी है, पार्टी है, संगीत है, भाई डांस करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना संगीत में, हेलो राइट। तो हम हर जगह इसको प्रमोट कर सकते हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर्स हो, बस ड्राइवर्स हो। कोशिश हमने की क्या आज तक? क्या हमने बताया? क्या हमने काउंटर लगाया कभी? भाई अगर यहाँ पे एग्जाम चल रही है, एग्जाम सेंटर के बाहर काउंटर लगाइए, और बहुत जगह चुनाव होना बाकी, जहां मतदान हो रहा है उसके सामने काउंटर लगा दो, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ बिकेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए। आप खुद लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो बाजार का उल्टा पुल्टा कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा है कि आप न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर लें। एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में हर कोई कितना भी अच्छा पढ़ने लिखने वाला हो, रात में जागते हैं और फिर झोंके आते हैं, जब लिखते हैं ना तो झोंके आते हैं। तो रखिए न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, राइट। तो ये दो स्वाद मौजूद है साथियों हमारे पास, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर ऑरेंज और न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पोमेग्रेनेट एंड रेड ग्रेप्स। मतलब एक तो हो गया असली अनार, असली लाल अंगूर, और एक संतरे वाला। तो हमें इसको प्रमोट करना है, तरीके से प्रमोट करना है, क्योंकि जब प्यास लगती है ना साथियों, तो इंसान पैसा नहीं देखता है। जब एनर्जी चाहिए, कमजोरी, जैसे दस्त लग गए किसी को, डायरिया हो गया, हालत खराब हो जाती है ना, किसी बीमारी से उठे हैं, एक न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर। और ये इतना खूबसूरत पोस्टर है, इसका फोटो लीजिए, इसको लगाइए स्टेटस में। देखिए बैटरी जब डाउन हुई, डाउन हुई, डाउन हुई, और जैसे ही बीच में न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर आया, तो बैटरी क्या हो गई, क्या हो गई, चार्ज हो गई, राइट। आपको ज्यादा कुछ याद करना ही नहीं है, सब यहाँ लिखा है कि विटामिन सी है, जिंक है, टॉरीन है, सब कुछ तो लिखा है सब। और अब बारी आती है धमाकेदार ऑफर की। उसके पहले मैं आप सबसे समझ लूं कि कितने लोगों को ऐसा लगा कि इस पे तो काम बनता है भाई, कर सकते हैं इस पे काम। रेज हैंड करें, चैट में यस लिखें। अभी 739 लोग जुड़े हैं, है ना। पीने और पिलाने वाली चीज है, इसके लिए फॉलो अप थोड़ी लेना पड़ेगा सुमन जी 4 दिन बाद कि पिया कि नहीं पिया है ना। यस मैम, अरे फटाफट उठाता है इंसान, आप आपको समझाने की जरूरत थोड़ी कि पीते कैसे हैं है ना, सबको आता है। यस, तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑफर है हमारे पास, और ये आप सब क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी बहुत समय है हमारे पास, आज है 10 तारीख, आपके पास पूरे 21 दिन का समय है। न्यूट्रीचार्ज से सेल्फ आईडी पर अगर आप मात्र 60 पीस न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर के खरीदते हैं, कुछ घर में यूज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, है ना, तो आपको एक फ्री साइज का आरसीएम का लोगो है, न्यूट्रीचार्ज का लोगो है, ये शानदार टी शर्ट आपको मिलेगी। एक आईडी पे एक ही है, ये भी मैं बता दूं, है ना, एक आईडी पे एक ही। तो एक तो ये हमारे पास शानदार ऑफर है साथियों, इसको बहुत आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। एक थोड़ा सा सेलिंग का टिप देना चाहूंगी कि हमेशा जब भी इसको पिए आप या किसी को सेल करने जा रहे हैं ना, तो रात को फ्रिज में रख लीजिए। हेलो सुन रहे हैं कितने लोग, लेफ्ट हैंड उठाइए। नेहा जी, यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ममता जी, तो क्या होगा जब आप फील्ड में निकलेंगे भी ना, तो ये 4-5 घंटे ठंडा रहेगा, और ठंडा जब पियेंगे तो स्वाद और बेहतर लगता है। सुमित्रा जी, गर्मी में गरम गरम पीने में मजा आता है कि ठंडी चीज पीने में मजा आता है? मैम ठंडा पीने में मजा आता है। तो हमें ये आनंद अपने ग्राहक को भी देना है। बिल्कुल याद रखिए कि इसको हम ठंडा करके ही दूसरों को टेस्ट करवाएं, राइट। तो एक तो सेल्फ आईडी पर 60 पीस न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पर एक शानदार टी शर्ट है, और हमारे जो पीयूसी धारक हैं, जो वंडर वर्ल्ड को एक या वंडर वर्ल्ड वाले साथी हैं, उनके लिए जो पहले महाकूल ऑफर आया था उसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया है। सब कुछ सेम है, आपके पास लगातार पोस्टर्स आते रहते हैं, इसमें बैग से लेके टी शर्ट से लेके, है ना, मिल्टन का चिलर से लेके सारी चीजें हैं, फ्रिज तक की, है ना, विजी कूलर तक की व्यवस्था है। तो कितने लोग, अब ये लास्ट सवाल पूछ रही हूँ, इसके बाद आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, कितने लोग इस ऑफर पर काम करेंगे? मात्र 60 पीस हैं, ऐसे खत्म होता है ना, पता ही नहीं पड़ता, एक खत्म हो गया तो मेरे को लगता है यार एक और खोल लूं क्या, है ना। तो यहाँ पर कितने लोग इस ऑफर पर काम करेंगे? 60 पीस न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर सेल्फ आईडी, यस कम ऑन, लिखिए लिखिए लिखिए। और इसका एक और बढ़िया, दो अभी शानदार तरीके आए हैं इसका टेस्ट बदलने के लिए, गर्मियों में इसका और मजा लेने के लिए।
न्यूट्री चार्ज रिफ्रेशर में एक तरीका यहां दिखा रही हूं, इसको देखते हैं, चलिए समझते हैं, आइए। पुदीने की पत्तियां डाली, थोड़ा सा मसाला क्रश किया, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, थोड़ा सा अदरक का रस, ये डाली बर्फ, तैयार हो। अच्छा, कितने लोगों ने देखा, ध्यान से, मजा आ रहा है, पीने की इच्छा हो गई ना ग्लास में। हाँ, तो आप लोग समझ पाएंगे उसके पहले ना, आप लोग समझ पाएंगे बिश्त मैडम, उसके पहले तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, अगर आप लोग नहीं देख पाए, देखिए इसको कैसे बनाना है। तो ये तो हुआ एक तरीका। एक और नया वीडियो अभी अपलोड किया गया है, वीडियो तो नहीं बोलेंगे, एक जैसे रील बोलते थे हम, है ना, शॉर्ट्स बोलते हैं, तो कम सेकंड में आप ग्राहक को भी भेज सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। एक और तरीका है, नींबू का रस, थोड़ा सा नमक डाल के, हल्की सी शक्कर चाहे तो डालें, वरना अवॉइड कर सकते हैं, ये भी देखते हैं, आइए फटाफट से। ये लेमोनेड है ना, पहले वाला जिंजर मतलब अदरक के रस के साथ था, और ये नींबू के साथ। यस, तो हमेशा देखिए, ध्यान रखिए, कोशिश करिए, अगर आप स्टॉल लगा रहे हैं, चाहे इलेक्शन के बाहर, चाहे एग्जाम सेंटर के बाहर, चाहे बैंक के बाहर, कोशिश करिए कि लोगों को ट्रांसपेरेंट ग्लास में पिलाइए, उनको मजा आ जाएगा, है ना। ग्लास में पीने का मजा ही अलग है, दिखता भी अच्छा है, सुंदर दिखता है। तो इतना ही मेरी तरफ से आज न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, और किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे कि इसका MRP DP PV क्या है, इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का मेरे को लग नहीं रहा है कि सेलिंग वेलिंग करने वाले, बताया जाए क्या, पता है। अच्छा, MRP 70 रुपये, ठीक है, और हम RCM से हैं तो हमें कितने का मिलेगा सर, ये भी लिखिए, MRP तो 70 है, 56 DP है, बहुत बढ़िया, मतलब एक पैक पे आप 14 रुपये बिल्कुल आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और पीवी कितना मिलेगा फिर, वो भी बताइए, पीवी पीवी, यस 42 PV है, ग्रेट जॉब, गुड जॉब। तो एक साथ मैं यहाँ चैट में लिखती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ, हमारे जो सीनियर को होस्ट हैं, मेरी तरफ से इतना ही धमाकेदार ऑफर है, गर्मी का सीजन है साथियों, सेल करना आसान है, खुद भी अपनी एनर्जी को बना के रखिए और ग्राहकों तक पहुंचाइए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, जय RCM।